खाद्य तेलों के सस्ते आयात की वजह से स्थानीय तेल के भाव महंगा बैठने के कारण बीते सप्ताह देश के प्रमुख तेल तिलन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ और पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। वहीं देश अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 75 से 80% आयात पर निर्भर है। ऐसे में भारत में आयात शुल्क कम किए जाने के बाद मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से सोयाबीन और पामोलिन जैसे तेलों का सस्ता आयात बढ़ने से स्थानीय बिनौला और सोयाबीन तेल के भाव आयातित तेलों से कहीं महंगे बैठने लगे हैं। ऐसे में इन तेलों को खपाने के लिए बाजार में इन्हें सस्ते में बेचना पड़ रहा है। लागत के मुकाबले कम भाव में तेल बिक्री की मजबूरी की वजह से बिनौला और सोयाबीन मिल वालों का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो किसान सोयाबीन और बिनौला सस्ते में बेचने से बच रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें इनके अच्छे दाम नहीं मिले थे। इसके अलावा पिछले साल हरियाणा और पंजाब में बिनौला बीज से तेल की प्राप्ति का स्तर लगभग 10% था, जो इस बार घटकर लगभग 8% रह गया है। इसके साथ ही हालिया बरसात के कारण भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन दोनों फसलों को नुकसान हुआ है। इसके ऊपर देश में सस्ते आयात के आगे इन तेलों की लागत निकलना मुश्किल होने से इन्हें सस्ते में बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बिनौला और सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं राजस्थान और गुजरात में भी मूंगफली की आवक बढ़ने से इनके तेल तिलहनों के भाव टूटे हैं। जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ने तथा सर्दियों में जम जाने वाले सीपीओ और पामोलिन जैसे तेलों की मांग कमजोर होने से पामोलिन और सीपीओ की कीमतें भी गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दी। इन तेलों के आयातकों को इसके आयात पर 4 से 5 रुपये प्रति किलो का नुकसान हो रहा है। दरअसल सरसों की अगली परिपक्व फसल आने में लगभग 3 महीने का समय बाकी है और सरसों की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। 31 अक्टूबर को देश में सरसों की उपलब्धता लगभग 13.5 लाख टन की थी, जो 30 नवंबर को घटकर लगभग 8 लाख टन रह जाने की अनुमान है। इसके साथ ही नवंबर के महीने में लगभग 5.5 लाख टन सरसों की पेराई भी हुई है। कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब बाजार मंदा है, सरकार की मदद से सहकारी संस्था हाफेड को किसानों से सरसों की सीधी खरीद कर हरियाणा के नारनौल और रेवाड़ी की अपने तेल मिलों से पेराई के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के माध्यम से गरीबों को सरसों तेल उपलब्ध कराने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा सरकार को भविष्य के लिए सरसों का लगभग 5 से 10 लाख टन का स्थायी स्टॉक बनाकर रखने के बारे में भी विचार करना चाहिए, ताकि जरूरत के वक्त उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस बार किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिलने से सरसों की अगली पैदावार बंपर होने की संभावना है। इस बार बुआई का रकबा भी काफी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।